हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग इंडिया विद सौरभ। और आज हम इस वीडियो में आपको लेके चलेंगे सीधा भारत नहीं बल्कि भूटान में। तो हम एक्सप्लोर करेंगे सामड्रप जोंखा। असम की गुवाहाटी शहर से सामड्रप जोंखा, जो कि भूटान में स्थित है, उस जगह तक डिस्टेंस है लगभग 100 किलोमीटर की। सामड्रप जोंखा जाने के लिए आपको अपना वोटर आईडी लेके जाना पड़ेगा और इसे आपको इंडो भूटान चेक पोस्ट में जमा करना पड़ेगा। भूटान घुसने से पहले ऐसा आपको पास लेना पड़ेगा यहाँ पे बॉर्डर गेट में, ये जो बॉर्डर का जो एंट्री गेट है यहाँ पे सामड्रप जोंखा है अपना नेक्स्ट टाउन। तो यहाँ पे घुसने से पहले आपको ऐसा एक पास बनाना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपको वोटर आईडी या तो पासपोर्ट जमा करना पड़ेगा सबसे पहले, और उसके बाद ही ऐसा आपको विजिटर्स पास मिलेगा। और व्हीकल्स के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस और RC यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। तो लेट्स एंटर इनटू भूटान द रॉयल किंगडम ऑफ भूटान। तो फिलहाल अभी हम एंटर कर चुके हैं भूटान में, और मेरे बैक साइड में आप देख सकते हो जो एंट्री गेट है, वहाँ से क्रॉस करके थोड़ा आगे आके ये वीडियो हम बनाए हैं, और उस एरिया में हम बना नहीं सके। तो आगे चलते सीधा आपको दिखाते हैं भूटान, और सबसे पहला टाउन यहाँ के सामड्रप जोंखा। तो लेट्स एक्सप्लोर दिस प्लेस। तो आप पीछे मेरे देख सकते हो, ये है भूटान का बहुत ही एक छोटा शहर जिसका नाम है सामड्रप जोंखा। और आप देख सकते हो ये सामड्रप जोंखा का जो टाउन है, टाउन के बीचों बीच वाला ये बहुत ही खूबसूरत बौद्धिस्ट एक मंदिर जैसा बनाया हुआ है। और ये रहा यहाँ का नज़ारा, सामड्रप जोंखा टाउन ऑफ भूटान। तो दोस्तों, फिलहाल मैं हूँ भूटान में, और भूटान के अंदर सामड्रप जोंखा बोल के एक जगह है, बहुत ही खूबसूरत सा छोटा सा टाउन। और सामड्रप जोंखा के जो मार्केट एरिया है, मार्केट एरिया के अंदर ही मौजूद है खूबसूरत बुद्धिस्ट बहुत ही सुंदर सा मंदिर जैसा बनाया हुआ है। तो सामड्रप जोंखा में अगर आप आए तो ये जगह ज़रूर विज़िट कीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत एकदम पीसफुल वाला जगह है। और बहुत ही खूबसूरत एक लोकेशन मार्केट एरिया है, पर लग नहीं रहा है कि यहाँ पे शोर हल्ला एकदम नहीं है, बहुत ही पीसफुल मार्केट है। और भूटान का सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पे है यहाँ का ट्रैफिक रूल्स, जो कि बहुत सख्त है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही डिसिप्लिन्ड है। आप देख सकते हो मेरे पीछे ये जो गाड़ियाँ लाइन में पूरा पार्किंग किया हुआ है, पार्किंग नहीं तोड़ते, सिंगल पार्किंग रहता है हमेशा। और ये जगह एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड जगह माना जाता है, बहुत ही खूबसूरत यहाँ का एक शहर सामड्रप जोंखा बोल के, बहुत ही नज़दीक गुवाहाटी से, बहुत ही नज़दीक है, भारत से बहुत ही नज़दीक है। और ये रहा यहाँ का नज़ारा, ये आप देख सकते हो ये खूबसूरत शहर भूटान के। और ये जो पार्किंग आप देख रहे हो, यही है यहाँ का सबसे बढ़िया चीज़। सो वेयर इज़ डिसिप्लिन देयर विल बी प्रोग्रेस। डिसिप्लिन जहाँ पे होगा वहाँ प्रोग्रेस होना बनता है हमेशा। तो इसीलिए भूटान से बहुत कुछ हमें सीखना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने डिसिप्लिन तरीके से गाड़ी को पार्क किया हुआ है, रूल्स नहीं तोड़ते ये लोग, रूल्स बहुत डिसिप्लिन तरीके से पार्क किया जाता है गाड़ी को। और आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं और भी यह इस शहर का खूबसूरत चीज़ें। और बहुत ही साफ़ सुथरा है ये शहर, छोटा सा शहर है बट बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से रखा हुआ है। और इसीलिए हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जब कभी भी हम भूटान आए, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह, भारतीय नागरिक की तरह, अच्छे नागरिक की तरह यहाँ का रूल्स फॉलो करें और आनंद उठाए विदेश भ्रमण का। इस कंट्री का मेन मोटिव है ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस। तो जिस देश का असल मुद्दा होता है हैप्पीनेस, तो वहाँ पे तो पीस होना ही है। तो ये रहा, और यहाँ पे क्या होता है, भूटान की जो राजा और रानी है उन्हें बहुत रेस्पेक्ट दिया जाता है, और अब उन्हें भगवान माना जाता है। तो कहीं भी आप देख लो यहाँ पे भूटान की राजा और रानी का फ़ोटो लगाया हुआ है। और टाउन के बीचों बीच एक पार्क जैसा है यहाँ पे, बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट जैसा यहाँ पे बनाया हुआ है। ये रहा भूटान का राजा, उन लोग का फ़ोटो यहाँ पे लगाया हुआ है परिवार के साथ। तो ऐसा एक देश, छोटा देश, शांति प्रिय एक देश।
तो फिलहाल हम है भूटान में समरप जोंखा के टाउन में, और यहाँ पे अगर आप कुछ सोविनीर या हैंडीक्राफ्ट का सामान खरीदना चाहते हैं तो सीधा इस जो मंदिर जैसा आपको सेंटर में दिखने को, इधर से सीधा आप चले आइए और ये दुकान जो है शॉप है और भैया का, यहाँ पे आपको ऐसा कुछ हैंडीक्राफ्ट का जगह कुछ चीज़ें मिल जाएगी। तो बहुत ही खूबसूरत कुछ चीज़ें हैं हैंडीक्राफ्ट के, भूटान का रिप्रेजेंट करते हैं भूटान का सामान, बुद्धिस्ट बहुत सारा सोविनीर्स है यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये आप खरीद सकते हैं यहाँ पे। तो ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस का देश ये है भूटान, और गुवाहाटी से बहुत ही नज़दीक लगभग 100 किलोमीटर्स के आसपास, और बुद्धिस्ट मंत्र लिखा हुआ ये फ्लैग्स, बुद्धिस्ट फ्लैग्स लहराते हुए। तो ये थे भूटान का सफ़र कुछ समय के लिए, और मेरे पीछे आप जो दुकान देख रहे हैं यहाँ से खरीदे थे हमने कुछ जूसेस जो कि बियर से भी ज़्यादा दाम है और बियर सस्ता है यहाँ पे, वाइन यहाँ पे सस्ता है। और ये है पीछे का नज़ारा है, ये टाउन ऑफ समरप जोंखा पीछे। तो यहाँ से अभी विदा लेंगे हम लोग और जाएंगे गुवाहाटी की तरफ। तो कीप एक्सप्लोरिंग, कीप वॉचिंग एक्सप्लोरिंग इंडिया विद सौरभ। तो भूटान से निकलने से पहले हमको ये कार्ड यहाँ पे इस गेट पे सबमिट करना पड़ेगा, तो सबमिट करके हम लोग सीधा निकल जाएंगे गुवाहाटी की ओर। तो इस ऑफिस से मिल गया अपना वोटर आईडी, तो प्रस्थान करते हैं अभी इंडिया की ओर। ये रहा भूटान और उस पार है इंडिया, तो चलिए बैक टू इंडिया। तो थैंक्स फॉर विजिटिंग भूटान। तो भूटान से आते वक्त एक बहुत ही खूबसूरत नदी के ऊपर ये ब्रिज देखने को मिला है हमें, तो यहाँ पे स्टॉप करके कुछ समय एक सोचा कि बढ़िया सा वीडियो बनाया जाए। तो ये रहा यहाँ का नज़ारा आप देख रहे हो मेरे पीछे। तो भूटान से रिटर्न होते समय एक बहुत ही खूबसूरत चाय की बगीचा पहाड़ों के बीचों बीच हमें देखने को मिल गया, तो सोचा क्यों ना यहाँ पे भी वीडियो एक बनाया जाए खूबसूरत सा। आपको दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा थोड़ा आगे जाके हम। तो मैंने सोचा कि शायद कोई ख़ास जगह नहीं होगा यहाँ पे, पर यहाँ पे आकर जो मुझे देखने को मिला तो वो है ये, वो जस्ट वाओ। ये देखिए ये नज़ारा, ये भूटान के पहाड़ से ये पानी बहता हुआ इस तरफ जा रही है, और चारों तरफ यहाँ पे असम की चाय, असम की चाय बागान। बहुत ही एक खूबसूरत नज़ारा यहाँ का, और ये देखिए मेरे पीछे बहुत ही खूबसूरत चाय की बागान। एक और खूबसूरत जगह हमको देखने को मिल गया यहाँ पे, तो ये रहा वो नज़ारा आप देख सकते हो, ये पानी जो बह रहे हैं सीधा उस तरफ से भूटान और भूटान से इस तरफ आ रहा है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस नदी का नाम क्या है, लोकेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए। ये रहा पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए ये नदी, और ये रहा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरा चैनल एक्सप्लोरिंग इंडिया विद सौरभ को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।